आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मंडली अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियों को देखा और त्वरित दूर करने की हिदायत दी। प्रियंका निरंजन आदेश जारी करते हुए कहा कि तत्काल वार्डों में बेहतर साफ सफाई की जाए, डेंगू के नए वार्ड बनाए जाएं, बेड की संख्या बढ़ाई जाए। स्टाफ की कमी पर उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए। डेंगू से पीड़ित मरीजों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाना चाहिए। ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर डेंगू की जांच कराई जाए। आपको बता दें, सभी से अपील है कि घर और बाहर के स्थानों में पानी को इकट्ठा न होने दें, कूलर में पानी न जमा होने दें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है मैंने। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और यहाँ चूँकि डेंगू से संबंधित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए कि जो वार्ड अभी नई जगह उपलब्ध है उसमें नए वार्ड बनाए जाए और जो आउटसोर्सिंग से नया स्टाफ लिया जाना है उसकी भी तत्काल आपूर्ति करवाते हुए और उन्हें फंक्शन करवाया जाए, ताकि निवासी जनपद वासियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी एंटी लार्वा और का छिड़काव और फॉगिंग और इन अन्य सभी चीज़ों के लिए भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जनपद वासियों से भी अनुरोध किया जाता है कि आप लोग भी अपना जो डेंगू मलेरिया से बचाव के संबंधित जागरूकता कार्यक्रम प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग इत्यादि, उन सभी का जो है वो अनुपालन करें। अपने घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई रखें, ताकि जो ये ऐसा समय है संचारी रोगों का उससे बचा जा सके और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में लोगों को उपचार भी तुरंत सुनिश्चित हो।